अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की शानदार बल्लेबाजी व रविंद्र जडेजा की बेहतरीन गेंदबाजी ने तीसरे दिन टीम इंडिया की कराई मुकाबले में वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे WTC फाइनल मुकाबले में अब तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से पहले शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की व इसके बाद गेंदबाजों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया को रेस में बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया चौथे दिन एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करके इस मुकाबले में वापसी करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरे दिन के मुकाबले को पूरी तरीके से शुरुआत से ही। वहीं पर दोस्तों, आज तीसरे दिन की खेल की शुरुआत करने उतरे कोना भरत तो उनके साथ अजिंक्य रहाणे थे, लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि दूसरी ही गेंद पर बोलेंड ने श्रीकर भारत को बोल्ड करके टीम इंडिया को आज की पहला झटका दे दिया। कोना भरत इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 15 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेवलियन लौटे, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे शार्दुल ठाकुर। हालांकि शार्दुल ठाकुर को काफ़ी देर तक परेशान किया ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस की गेंदों ने, लेकिन इसके बाद एक बाइक के चौके के साथ शुरुआत हुई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक बेहतरीन चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, अजिंक्य रहाणे के बल्ले से एक शानदार छक्का वे देखने को मिला 46वें ओवर की 6ठी गेंद पर, जब उन्होंने पैट कमिंस की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर की 26वीं 50 पूरी कर डाली। कमाल की बल्लेबाजी रही अजिंक्य रहाणे की और बेहतरीन अर्धशतक तक वो पहुंचे, लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47वें ओवर में एक और शानदार चौका लगाया बोलेंड की ही गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कैमरून ग्रीन के 49वें ओवर की 3री गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी अजिंक्य रहाणे ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। बैक टू बैक दो चौकों के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। 64 गेंदों पर 57 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाज कर चुके थे, लेकिन इसके बाद 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन चौका जड़ा मिचेल स्टार्क की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर 54वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला पॉइंट की तरफ मिचेल स्टार्क की गेंद पर ठाकुर के बल्ले से। इसके बाद नेथन लियोन जब अपना पहले ही गेंद डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 58वें ओवर की 2री गेंद पर भी एक और शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ा शार्दुल ठाकुर ने। तो वहीं पर 59वें ओवर की 4थी गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर अजिंक्य रहाणे ने 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली दोनों बल्लेबाजों के बीच। मात्र 124 गेंदों पर 103 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों ने पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों, 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका अजिंक्य रहाणे ने ड्राइव के जरिए लगाया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार गेंदबाजी रही कमिंस की, जब उन्होंने 60वें ओवर की 4थी गेंद पर बड़ी सफलता दिला दी थी शार्दुल ठाकुर के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया, क्योंकि शार्दुल ठाकुर इस गेंद पर आउट तो हो गए थे, लेकिन ये गेंद 9 बॉल थी जिसने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर को जीवनदान दिया और भारतीय टीम ने पहले सेशन में सिर्फ एक ही विकेट गंवाया। आज के दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 22 ओवर में 109 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर। 4.95 की रन रेट रही टीम इंडिया की और टीम इंडिया अब जबरदस्त वापसी कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन लंच के समय तक टीम इंडिया अभी भी 209 रनों से पीछे थी ऑस्ट्रेलिया से और 260 रन बन चुके थे। लेकिन इसके बाद लंच के बाद एक बार फिर टीम इंडिया जब मैदान पर उतरी तो पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने अजिंक्य रहाणे के रूप में बड़ा विकेट गंवाया। एक बेहतरीन कैच लिया कैमरून ग्रीन ने और अजिंक्य रहाणे 129 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेलकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 67वें ओवर की 5वीं गेंद पर उमेश यादव को भी बोल्ड करके पैट कमिंस ने एक और सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी। उमेश यादव 11 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेवलियन लौटे।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली मोहम्मद शमी के बल्ले से, जब 67वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन चौका बोलेंड की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और एज के जरिए चौका लगा, बैक टू बैक दो चौके उन्होंने लगाए। जबकि दोस्तों 68वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका शार्दुल ठाकुर के बल्ले से भी देखने को मिला, यह भी कमाल का शॉट था और उन्होंने भी स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका लगाया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर शार्दुल ठाकुर ने अपनी बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही शार्दुल ठाकुर की और इस मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 108 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 69वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो विकेट कीपर एलेक्स कैरी को अपना कैच थमा बैठे और 109 गेंदों पर 51 रन बनाकर पेवेलियन लौटे शार्दुल ठाकुर। ये कमाल की बल्लेबाजी थी शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने टीम इंडिया को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बनाए रखा। जबकि दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया का आखिरी विकेट मोहम्मद शमी के रूप में गिरा, जो कि मिचेल स्टार्क ने लिया कि वो मोहम्मद शमी अपना कैच एलेक्स कैरी को थमा बैठे और टीम इंडिया पहली पारी में 296 रनों पर ऑल आउट हो गई। यानी कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से अभी भी 173 रन पीछे थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 173 रनों की बढ़त मिली। वहीं पर दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर को कोना व्रत के हाथों कैच करा कर पेवेलियन भेजा मोहम्मद सिराज ने। डेविड वार्नर 8 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। लेकिन इसके बाद यहाँ पर उस्मान ख्वाजा और मानस लबुसेन ने संभल कर बल्लेबाजी की। इसी बीच यहाँ पर 6 ओवर की आखिरी गेंद पर ख्वाजा ने एक बेहतरीन चौका लगाया, तो वहीं पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। लेकिन चाय काल तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 11 ओवर में 23 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया की बढ़त अब 196 रनों की हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद तीसरे सत्र में उमेश यादव ने टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी शानदार तरीके से करवाई, जब 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चलता किया उस्मान ख्वाजा कोना व्रत को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में भी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 39 गेंदों पर 13 रन बनाकर वो आउट हुए। टीम इंडिया को अब 24 रनों के स्कोर पर 2 सफलताएँ मिल चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करने शुरू कर दी और 16वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा स्क्वाड लेग की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 17वें ओवर में भी एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर 22वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मानस लबुसेन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों 23वें व 26वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार चौके लगाए और अब टीम का स्कोर 80 रनों के पार पहुंचा चुके थे, जबकि 250 रनों से ज़्यादा की बढ़त अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास हो चुकी थी। लेकिन तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे स्टीव स्मिथ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रविंद्र जडेजा की गेंद पर, लेकिन वो अपना कैच शार्दुल ठाकुर को थमा बैठे और टीम इंडिया को स्टीव स्मिथ के रूप में बड़ी सफलता रविंद्र जडेजा ने दिला दी। इस मुकाबले में 47 गेंदों पर 34 रन बनाकर स्टीव स्मिथ पेवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, दो बेहतरीन छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोटिन बोल्ड करके पेवेलियन भेजा रविंद्र जडेजा ने ट्रेविस हेड को। इस मुकाबले में 27 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेवेलियन लौटे हेड। तो वहीं पर इसके बाद कैमरून ग्रीन और उनके साथ मानस लबुसेन ने आज के दिन के खेल को समाप्त किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 44 ओवर में 123 रन बना लिए, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम की बढ़त 296 रनों की हो गई है और 6 विकेट उनके हाथ में है। लेकिन दोस्तों क्या लगता है चौथे दिन के खेल में टीम इंडिया वापसी कर पाएगी? ऑस्ट्रेलिया की टीम को जल्द से जल्द आउट करके इस मुकाबले को क्या टीम इंडिया अब भी जीत सकती है? आपके हिसाब से कितने रनों तक के लक्ष्य को टीम इंडिया चेस कर सकती है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।